Hello foodies, this is Sanya Sheik and welcome back to my channel Foodies Cooking Show. So, आज फाइनली हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज घर पर. मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी होने वाला है एंड बहुत ईजी वे में बनने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड इफ यू वॉन्ट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज देन इट इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. सो वेज मोमोज बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और भी कुछ वेजिटेबल्स जो आपके पास हो, जो आप मोमोज में डालना चाहें आप वो भी ले सकते हैं. तो इन सभी चीज़ों को हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे. हल्का सा करना है, पूरा पेस्ट नहीं बनाना है. सो अब सभी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं. उसके लिए हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल. आप यहाँ पर तेल अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं. और अब इसमें हम डाल देंगे प्याज. उसे हल्का सा फ्राई करने के बाद उसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट. ये ऑप्शनल है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है. और फिर डाल देंगे 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा. ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे. सभी चीज़ों को भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे कैरेट्स यानी कि गाजर. इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे क्योंकि गाजर थोड़ा कड़ी होती है, इसलिए इसे पहले डालेंगे और फ्राई करेंगे. फिर लास्ट में डालेंगे हम पत्ता गोभी. अब यहाँ पर डालना है एक हरी मिर्च. ये ऑप्शनल है क्योंकि वैसे तो मोमोज में मिर्ची डाली नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर मोमोज थोड़ा स्पाइसी करने के लिए हम डाल रहे हैं. अब डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक. कलर के लिए थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर. सभी चीज़ों को मिक्स करके फ्राई कर लेंगे. और अब हमारा मसाला बिल्कुल बनकर रेडी है. इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे. इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी लग रहा है ये. और फाइनली अब हम बना रहे हैं मोमोज का डो. उसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 बड़ा कप मैदा. और अब उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और 1/2 टीस्पून नमक. अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है. फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेना है. हमारा डो बनकर रेडी है. अब इसे मुलायम करने के लिए हम एक साफ प्लेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे. फिर आटे को वहाँ रखकर हमें हथेली से गूंदना है जब तक वो बिल्कुल मुलायम ना हो जाए और बिल्कुल सूख कर बिल्कुल सॉफ्ट सा ना हो जाए. अब हमारा आटा भी बनकर रेडी है. अब इसे हम 4-5 बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे. फिर उसके बाद बड़े बड़े बॉल्स बना लेंगे. अब उनमें से एक बॉल्स लेकर उसके हमें बड़ी सी रोटी बेल लेना है. और थोड़ा थोड़ा फ्लावर डस्ट करते रहेगा ताकि हमारी रोटी चिपक ना जाए जिस प्लेस पर आप बेल रहे हैं रोटी. तो अब इसकी मतलब ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं, बीच की बेलना है. अब यहाँ पर कोई सा भी कटर यूज़ करना है या कोई सी भी प्याली यूज़ करनी है जिससे हमारे सारे मोमोज के कवर्स इक्वल साइज़ के कट जाए. एंड ये हमारा क्यूट सा कवर रेडी है. ऐसे हमें सारे कवर्स बना लेने हैं. तो अब उसमें से एक कवर लेना है और साइड साइड में हल्का हल्का सा पानी लगा देना है. फिर बीच में हम थोड़ा सा मसाला रखेंगे. बीच का रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है कि
बनाते टाइम हमारा फट जाए मोमोज, और बहुत कम भी नहीं रखना कि सिर्फ आटे आटे जैसा टेस्ट आए। तो अब मसाला रखने के बाद उसे हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, ध्यान से देखिए, हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते जाना है और कवर को घुमाते जाना है इस बीच में से। फाइनली अब इसे कुक करने के लिए हम एक पतीला लेंगे या कोई भी पॉट ले लेंगे बड़ा सा, उसमें हम ज़्यादा से पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि हमारे ऊपर जो छन्नी है उसमें टच हो, बहुत कम भी नहीं डालना कि भाप बनकर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। और अब उसके ऊपर हम रख देंगे एक छन्नी, उसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। फिर जब हमारा पानी पकने लगे तो हम उसमें अपने मोमोज रख के इसे 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ऑब्वियसली हमें स्टील की छन्नी रखनी है, ना कि प्लास्टिक की। लास्ट में ऊपर से किसी ढक्कन या प्लेट से कवर कर देना है। आठ मिनट बाद हमारे सारे मोमोज बिल्कुल बनकर रेडी हैं। इसकी स्मेल बहुत टेस्टी आ रही है। एंड ये थोड़ा जो लाल लाल दिख रहा है ना ऊपर से मोमोज, ये अंदर का मसाला दिख रहा है इसका पकने के बाद। तो अब इससे हम सारे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी के मोमोज भी कुक कर लेंगे। एंड ये हमारे डिलीशियस से घर पर बनाए मार्केट से भी टेस्टी मोमोज रेडी हैं। So hey guys, if you like this video, so give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. I post new video every week. Follow me on Instagram. Take care, bye bye. Thanks for watching. And comment below how you like this video, because I love to read your lovely comments.